दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है सैमसंग का गैलेक्सी M35। हालांकि काफ़ी रूमर्स में बना था और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो चिपसेट मिल रहा है जाइनोस 1380 चिपसेट है। जहां तक डिज़ाइन की और कलर्स की मैं बात करूं इसको, तो देखा जा रहा है कि इसमें आपको कॉर्नर्स पर M35 में फ्लैट कॉर्नर्स और पंच होल डिस्प्ले के नज़र आ रहा है। आप इस पोस्ट में देख सकते हैं कि डार्क ब्लू, ग्रे, लाइट ब्लू जैसे कलर तीन कलर्स में ऑप्शंस में है। पावर बटन और वॉल्यूम बटन स्मार्टफोन के राइट साइड पर है, जबकि सिम ट्रे लेफ्ट साइड पर दी गई है। डिवाइस के बैक पैनल पर ऊपर लेफ्ट साइड पर ट्रिपल रेयर कैमरे का और LED फ्लैश मौजूद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गैलेक्सी M35 का डिज़ाइन जो लुक मॉडर्न लगता है, जो कि पहले से जो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, जो पहले के M सीरीज मॉडल से अलग है, क्योंकि ये इसमें पतले स्क्रीन बजल भी देखने को मिल रहे हैं। इससे यही उम्मीद लगा जाता है कि थोड़ा सा यूनिक इसमें डाल दिया है। जहां तक बैटरी की बात कर लें तो इसमें 5-6 हज़ार mAh की बैटरी बड़ी सी मिल रही है, जबकि पिछले में आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखा जा रहा था। यहाँ पर अगर हम जैसे चिपसेट मैंने पहले ही बता दिया है और स्टोरेज की बात करें, सिंगल वेरिएंट 6GB रैम के साथ आ रहा है। OS इसमें 14 पर है, UI बेस्ड पर शामिल है। और जहाँ तक बात करें इसके डिस्प्ले से लेकर, तो M35 5G हाल ही में जो लॉन्च हुआ था, A35 5G का, उसी का रीब्रांड वर्जन कह सकते हैं। और इसी डिटेल के हिसाब से 6.6 इंच का AMOLED डिस्प्ले। जहां तक कनेक्टिविटी की बात कर लें तो 5G NFC सपोर्ट, Wi-Fi, ब्लूटूथ सुविधा जैसे कई फीचर्स आपको इसमें इन्वॉल्व हैं। हालांकि M34 जो पहले के M सीरीज़ में थे उससे तो मिलता जुलता नहीं है, लेकिन गैलेक्सी A35 5G का ही रीब्रांड वर्जन आप मान के चलो। अगर आप A सीरीज़ का 35 यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक के लिए, वीडियो को पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।